शनि महाराज का प्रिय वो खिचड़ी प्रसाद, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है दर्शन के बाद प्रसाद लेकर ही जाएं। जिसको जितना लगे उतना ले सकते हैं, पेट भर प्रसाद ग्रहण करें। एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार लीजिए, बार बार लीजिए। आइए प्रसाद लीजिए। सामने बातें पूर्ण लगा हुआ है, प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे खिचड़ी के रूप में। आई थिंक देर इज अ किचन हियर वेयर दे आर प्रिपेयरिंग प्रसाद। सो आई वॉज हेजिटेटिंग अ लिटिल बिट, हेजिटेटिंग इन द सेंस आई वॉन्टेड टू गो इन साइड। प्रसाद बन रहा है खिचड़ी, बनाया जाता है प्रत्येक शनिवार। आप बनाते हो खिचड़ी, बनती है यहाँ पे प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाता है। यहीं पे बनाया जाता है और यहीं पे भोग लगा करके सुबह से रात्रि तक निरंतर गर्म गर्म प्रसाद आने वाले सभी लोगों को। Look at the quantity of khichdi that is being prepared over here. बहुत सारे, कितने लोग आते होंगे यहाँ पे, कितने भक्त आते होंगे? 10 से 15 हज़ार आते हैं। 10 बजे से रात को 10 बजे, मीन्स शनिवार के दिन आते हैं, हर शनिवार को। आप दीदी कहाँ से? मैं पुणे से आई हूँ, पुणे से। हर शनिवार उनका चैनल होगा? हाँ, चैनल है मोहिनी ऑल स्माइल्स। दिखा दो मोबाइल में, दिखा दो। सो मेनी पीपल यहाँ पे, सब्जियाँ कट हो रही है। ये तैयार है। तो ये जो प्रसाद आप देख रहे हो यहाँ पे, इट्स नॉट दैट ग्रेवी वाला, इट्स ड्राई खिचड़ी बेसिकली। तो इसमें पानी, ज़्यादा पानी नहीं रहता है, पानी नहीं, इसमें पानी भर के ड्राई रहता है, ड्राई खिचड़ी बनती है यहाँ पे। इसमें 56 तरह का आइटम लगता है, 56 तरह का आइटम डालते हो आप, ये मसाला वगैरह, मसाला मछली वगैरह सब, जो भी है जो सब डलता है, वीआईपी तौर से बनाई जाती है। ओके ओके, ये दाल है, चने दाल वगैरह, ये मसाला है, ये मसाला है, ये खड़ा मसाला बोलते हैं, खड़ा मसाला, तेज पान है, ये तेज पान बोलते हैं, तेज पान, ये वो इलायची है ना, और ये सभी तरह की दाल है। अच्छा, ये मिक्स दाल, सब मिक्स है। ओके, इसको तो पहचानते हो, दालचीनी है ना, ये भी डालते हैं इसके अंदर, मतलब दवाई का रूप। ये देखो आप, नाग केसर वगैरह जितना भी मसाला, लौंग वगैरह, आप देखो ये सब डालते हैं। बाकी इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला जाता, प्रसाद है ना, भगवान को भोग लगता है, ये सब मसाला डाला जाता है। तो बाबा को पहले भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद सबको प्रसाद बांटा जाता है, बांटा जाता है सुबह 9 बजे से तो रात को 10 बजे तक, 10 बजे तक। तो ये विशेषता ये है कि मैं मंदिर का पुजारी और मैं स्वयं अपने हाथ से 20 क्विंटल प्रसाद अपने हाथ से बनाता हूँ। 20 क्विंटल 20 क्विंटल हर शनिवार को प्रसाद बनती है और बटती है। ओके, और मैंने 15 किलो चावल से शुरुआत की थी। अच्छा, जो आज 3 क्विंटल चावल लगते हैं, 50 किलो दाल लगती है, 3 क्विंटल सब्जी लगती है, चने लगते हैं, इसी प्रकार से सारी सामग्री मिला करके मैं बनाता हूँ, बनाता अपने हाथ से, हलवाई हाथ से। आप ब्राह्मण हैं और बना रहे हो रात तक, में पगार वगैरह सब यही खुद ही लगाते हैं, सब टोटल काम पूरा नमाज में, हाँ, इनके हाथ से पगार लगता है। और दीदी मेहनत है यहाँ के शनि मंदिर, मेहनत है शनि मंदिर। ओके, तो आपको एक ये कितना होगा, ये जो अभी बन रहा है ये लॉट, ये 2 क्विंटल का है, 2 क्विंटल का राइस बन रहा है इसका, और फिर वापस कब बनेगा ये? इसके बाद बनता रहेगा, ये निकलेगा, ये देखो बन गया, ये बन गया। अच्छा, ये बन गया, ये बन गया, अब ये उधर चला जाएगा, वो खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ओके, फिर ये कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू बनते ही रहेगा जब तक भक्त आते रहेंगे। 10 बजे रात तक, 10 बजे रात को आरती होती है शनि मंदिर के आखिरी शनिवार के दिन ना। हाँ, ये अभी सावन में पूरा सावन चलाया था, हाँ, एक महीना पूरा, सावन का पूरा महीना सलग। ओके,
शनिवार का संदेह चलो आओ। इसमें क्या क्या सब्जियां डालते हैं? ये तो मिर्ची दिख रहा है, ये टोमेटो है, टमाटर है, वो कद्दू है, ककड़ी है, मखने भी डालते हैं? मखने भी डाले ना, देखो मखने मखने तो मखने कब डालते हो आप? ये उसके ऊपर ऊपर ही डालते हैं। ये रोस्टेड होगा? हाँ। रोस्ट किया होगा ना आपने इसको, सेका होगा ना? ये बनने के बाद है ना इस पे फैलाते हैं। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट धनिया के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट डालते हैं? ओके। मखने और धनिया के साथ इसे क्या बोलते हैं, इसे गार्निश किया जाता है। इंटरेस्टिंग। कोई भी डिश हो धनिया से तो सर्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मखना, मखाने और धनिया, इन दोनों के साथ इसे गार्निश किया जाता है। ब्यूटिफुल एंड इट्स स्मेलिंग ग्रेट। बासमती राइस मिल सकता है। ओके, बासमती राइस, बासमती राइस। ओके, तो खिचड़ी के लिए सिर्फ यहाँ पे बासमती राइस का यूज किया जाता है। तो ये दे आर यूजिंग ऑल द क्वालिटी एंड गुड इंग्रेडिएंट्स। सो यहाँ पे हवन होता है? ये कितना कद्दू कट किया होगा आपने? अभी कितना कद्दू कट किया होगा? हाँ, 6-7 है। एक तपेले में डलेगा? अच्छा, एक तपेले में डलेगा। ओके, एक कद्दू पूरा डलता है? पूरा डलता है। एक एक अभी जो 2 क्विंटल राइस जो बन रहा है उसमें डलेगा ये। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। कितने लोग यहाँ पे मेहनत करके भक्तों को भोजन खिला रहे हैं, क्या बात है। Thank you. आप भी लेना पड़ता है। एकदम गरम गरम भोग यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। आप भी सेवा करो। जी महाराज का प्रिय भोग खिचड़ी प्रसाद मिलती है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है दर्शन के बाद प्रसाद लेकर उठा है। आप भी पड़ता है। थैंक यू। एकदम गर्मा गर्म भोग है ये, एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है इन्होंने। चलिए अब प्रसाद को टेस्ट करके देखती हूँ मैं कि ये कैसा बना है। अब भगवान का प्रसाद है तो अच्छा तो होगा ही। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बना है। कैसा लगा पोहे इंदौर का? टेस्टी? पोहे नहीं है, खिचड़ी है। प्रसाद प्रसाद है, प्रसाद खिचड़ी। पोहे बहुत ही अच्छा बना है और हाथ से भोग खाने का जो मज़ा है बहुत आनंद आता है। बहुत ही प्यार से उन लोगों ने मुझे अपने किचन में इनवाइट किया और दिखाया कि किस तरह ये खिचड़ी बनाया जा रहा था। वेरी गुड। नो तीनों ने इतनी सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाया। एक्चुअली बहुत अच्छा बना। टू गुड। जय हो शनि बाबा। बस और खाना और नहीं खाना।
और ये 5-6 प्रकार के दालों को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें चना भी डाला गया है। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो बिकॉज दे आर एडिंग अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन दिस एंड मखाना ऑल्सो। बहुत अच्छा है, तृप्ति हो गई आज ये खाकर। आप कर लो वीडियो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीता है। रहीता है, आपने प्रसाद खाया आज यहाँ का? हाँ खा लेते। खाया, रोज खाते हो आप लोग? मैंने शनिवार को, हर शनिवार को मिलता है ना, आप जाते हो खाने के लिए? बहुत अच्छा बनाया था। मैं पुणे से आई हूँ एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में आकर। कितने बजे तक चालू रखते हो आप दुकान? ये 10-11 बजे तक। मंदिर 10-11 बजे तक, और आपकी दुकान? तो चले जाते हैं 8:30। 8:30 बजे चले जाते हैं। अच्छा, ओके, बाय। शी वॉज वेरी स्वीट। आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू वॉश माई हैंड्स, कुडंट फाइंड एनी टैप, सो शी सेड प्लीज कम हियर एंड वॉश योर हैंड्स। सो दैट वॉज सो स्वीट ऑफ हर बिकॉज शी नोटिस फ्रॉम फार। लवली पीपल। Now let's continue with our drive towards Ujjain.